जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा निवासी टाटा मोटर्स के ठेका कर्मी विक्रम सिंह को पैर में गोली लगने के बाद टाटा मुखी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। बताया जाता है कि विक्रम सिंह का कल बस्ती के ही हेमंत खल को, जो पूर्व मुखिया बताया जा रहा है, उसके साथ झगड़ा हुआ था। वहीं आज फिर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद हेमंत खलको ने विक्रम सिंह को गोली मार दी। वैसे गोली विक्रम सिंह के पैर में लगी है। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने विक्रम सिंह को टाटा मुखी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। वैसे टीएमएस सूत्रों की अगर माने तो घायल ठेका कर्मी के पैर की नस गंभीर रूप से घायल है और उन्हें कहीं बाहर ले जाने की सलाह दी गई है, जिसकी तैयारी की जा रही है। उधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परसुड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह टाटा मुखी अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना। हल्का फुल्का झगड़ा हुआ था, उसके बाद कुछ बात नहीं था, वो हेमंत से हुआ था। हाँ, उसको वो मारा, एक दो चटकन ऐसी बात हुआ। आज कुछ नहीं हुआ, तो दिन भर घरे में था। वो जहाँ वहाँ बैठते हैं, वो शाम के गए बैठने के लिए, वो कल वाला झगड़ा से आज हुआ। ये वो मारे ना, एक गोली लग क्षेत्र में गोली उली चला है। अच्छा, हम लोग आए यहाँ पर देखने के लिए पेशेंट को। अच्छा, गोली लगा है अभी, डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको रांची या तो फिर आप कगड़ा ले जाइए, मेरे पास नर्स का कोई डॉक्टर है नहीं। अच्छा, तभी हम लोग, ये परिवार के लोग भी आए हुए हैं, तो उनसे बातचीत करके जहाँ होता है बेहतर इलाज के लिए भेजा जाएगा। अच्छा, कौन मारा है? हमको भी आइडिया नहीं है, हम भी सुन के सीधे सीधे टीएमएच पहुंचे। अच्छा, हम इनका जिला परिषद क्षेत्र हमारा पड़ता है राहरगोड़ा, वहीं के रहने वाले। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।